अब कतर कंट्री के अंदर है दोहा सिटी, दोहा सिटी के अंदर जो टूरिस्ट को खींचने वाली जो जगह है ना वो कतारा है। ये 100 कतरी रियाल है, चेंज नो हैव चेंज बट 100 नोट 50। ये गुची का एक लगा हुआ हैव इन पोलो शॉप, पोलो बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है, मस्जिद अल फनार नाम है। ये बेसिकली वो जो गिफ्ट के ऊपर रैपिंग नहीं होती ये वो है, कॉलोनी टाइप एक आके का नाम रखा हुआ कतारा। ये देखें, आए हाय हाय, बिल्कुल यकीन करें ऐसे है जैसे मक्खन मुंह में रखते हैं ना तो वो खुद बहुत घुल जाता है, यकीन करें ऐसे है। वाह, आए हाय हाय, ये आइलैंड सुंदर है, सुंदर के अंदर जो है ये विजिट करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, आप सब दोस्तों का क्या हाल है जी। मैं उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त कामरान सदीक जिंजुआ, अभी जिस जगह पे मैं आया हूँ मैं आपको बताता चलूँ कि ये दोहा सिटी है। दोहा सिटी का कंट्री जो है वो कतर है, जैसे आपको पता है। अब कतर कंट्री के अंदर है दोहा सिटी, दोहा सिटी के अंदर जो फिर बड़ी जबरदस्त खूबसूरत मैं कहता हूँ टूरिस्ट को खींचने वाली जो जगह है ना वो कतारा है। तो ये कतारा में अभी हम खड़े हैं, कतारा से जैसे ये जो कतारा की जो आप कह ले कॉलोनी या जो स्मॉल सिटी है ना, इससे जैसे आप बाहर निकलेंगे ना तो आपको गर्मी लगेगी, कतारा में नहीं लगेगी। इसकी क्या वजह है, जबकि आप अगर ऊपर देखें कैमरा अगर आपको ऊपर ऊपर वाली साइड पे इधर दिखाएं तो कोई छत नहीं है, कोई कुछ नहीं, ओपन ओपन जो आसमान है उसके नीचे बैठे हैं। लेकिन अगर आप ये नीचे कैमरा अगर आप दिखाएं तो यहां से ये जो जालियां हैं ये आपको नीचे नजर आ रही होंगी, यहां से एसी की ठंडी हवाएं आ रही हैं और ये तकरीबन जो आप कह लें कि 10-12 किलोमीटर तक का जो एरिया है वहां पे ये इन लोगों ने जमींदोज जो है वो एसी लगाए हुए हैं। मैं पहले हैरान था यहाँ पे जो है वो इतनी ठंड कैसे है, मतलब यहाँ पे गर्मी नहीं है, बाहर इतनी गर्मी थी पसीना आ रहा था, अब यहाँ पे बैठे हैं बिल्कुल कंफर्टेबल है, बड़ा जबरदस्त। तो मैंने देखा यार ये क्या सीन क्या है, तो उबैद भाई से पूछा, उनको भी समझ नहीं आ रही, वो कभी उधर देखते हैं मैं भी कभी उधर देखता हूँ कि कोई समझ ही नहीं आ रही ये चीज क्या है। तो फाइनली पता चला कि यहाँ पे नीचे जो है वो एसी लगे हुए हैं और वो जो ये जो जगह है इसको ठंडा करते हैं। तो मोस्टली टूरिस्ट जो है आप कह लें कि जिस तरह से स्ट्रीट होती है किसी भी कंट्री में, कुछ ऐसी स्ट्रीट होती हैं जो कि बड़ी मशहूर होती हैं, तो कतारा स्ट्रीट जो ये है ये कतर के दोहा के अंदर जो है वो बड़ी ही जबरदस्त है। एक तो यहाँ पे ये पीछे जो है वो सारी परफ्यूम की शॉप्स हैं, उसके अलावा गोल्ड की शॉप हैं, उसके अलावा जो है वो इम्पोर्टेड जो आप कह लें प्रोडक्ट्स हैं बैन अलाकवामी जो हैं उनकी शॉप्स हैं। तो इस वजह से यहाँ पे जो है वो मोस्टली टूरिस्ट लोग आते हैं, फॉरनर यहाँ पे आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे फिर उन्होंने जो लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे जो है वो मार्केट बनाई हुई है और उसके बाद यहाँ पे जो है वो नीचे उन लोगों ने इतने ज्यादा जमींदोज एसी लगाए हुए हैं कि यहाँ पे वो जो आप कह लें कि यहाँ का जो टेम्परेचर है ना वो होगा 19-20 के करीब, लेकिन बाहर जाएंगे तो वहां पे है 36-37 के करीब करीब। तो ये बड़ी जबरदस्त कतर गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त चीज जो है ये की गई है, मैं तो बहुत मुतासर हुआ हूँ। और आज ये जो व्लॉग है ये बेसिकली मैंने इसी चीज को जो है वो आपको दिखाना था, इसी चीज को डिस्कवर की है कि मैंने कहा कि आपको ये कतारा जो सिटी है ये आपको दिखाऊं, बड़ी जबरदस्त है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये व्लॉग आपको अच्छा लगेगा। तो आप सबको यही बोलूंगा, जो भी दोस्त मेरे चैनल पे नहीं है उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट्स में अगर आपका कोई भी सवाल होता है या कोई भी बात होती है वो पूछ लिया करें। तो अभी हम मार्केट के अंदर आए हैं, ये जो मार्केट है या फिर आप इसको शॉपिंग मॉल शॉपिंग एरिया कह लें जो कि VVIP है, यहाँ पे डिफरेंट तरह के परफ्यूम्स के ब्रांड है, कॉफी शॉप्स हैं यहाँ पे अंदर बनी हुई हैं। लेकिन परफ्यूम्स की बात करें तो दुनिया के जितने महंगे ब्रांड्स हैं उनके यहाँ पे परफ्यूम्स हैं, उनके ड्रेसेस हैं, उनके फीमेल्स की जो आप उसको कह सकते हैं कि जो किट्स हैं, जैसे कि आपको ये देख रहा है कि गुची का यहाँ पे स्टॉल्स लगा हुआ है। तो दुनिया के जितने बड़े ब्रांड्स हैं उनके सभी के स्टॉल्स यहाँ पे लगे हुए हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन लोगों ने यहाँ पे सजा रखे हैं। तो अगर परफ्यूम्स की बात करें, मेकअप की बात करें, तो मैं कहता हूं कि इससे बेस्ट जगह नहीं होगी। हर तरफ आप देखें तो बार बार ये गुची आ जाता है, वैसे हर तरफ बड़े बड़े ब्रांड है। इसकी यही एक बड़ी वजह है कि यहाँ पे जितने भी कस्टमर हैं वो या तो फॉरेनर है, यहाँ पे जो मकामी कतरी हैं वो हैं, मतलब मैक्सिमम लोग जो यहाँ पे मुझे नजर आए हैं वो यहाँ के रहायशी जो के वतनी है कतर के, मैक्सिमम लोग वही शॉपिंग यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे हर तरह के जो है वो परफ्यूम अवेलेबल है, बहुत ज्यादा तादाद में कोई भी किसी भी किस्म का जो परफ्यूम है
वो यहाँ से मिल जाता है। ये आप अगर देखें तो मतलब इधर गाड़ियाँ खड़ी हैं और ये ऊपर जो है ये रिजॉर्ट है, यहाँ पे जो है वो आके जितने भी ओवर लोग जो हैं बाकी कंट्रीज के जो हैं वो यहाँ पे आके रुकते हैं। और इस साइड पे भी बिल्कुल वही, अगर मतलब जो इस साइड पे भी व्यू है वो भी सेम सेम ही है। ये बिल्डिंग्स अगर आप देखें, ठीक है, ये एक ड्राइंग भी बनाई हुई है इन्होंने पता नहीं किसी बंदे की, ये सामने दीवार पे, तो बहुत अच्छा व्यू है, बहुत अच्छा नज़ारा है ये। अब आप जो है वो वीडियो की सूरत में देख रहे हैं, मैं जो हूँ वो डायरेक्ट आके यहाँ पे देख रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है वो सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि टूरिस्ट आता है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये इन लोगों ने जो है वो आर्टिफिशियल बनाई है। तो ये ग्रीनरी जितनी भी है, ये इन्होंने जो पहाड़ है ना एक लिहाज या जिसको मिट्टी के टिब्बे कहा जाता है, इनको उन्होंने काटा नहीं है, वहाँ भी जो है वो ग्रीनरी लगा दी है। तो यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त आप कह लें व्यू है। वो नए जो ऊपर अगर आपको नज़र आए वहाँ पे जो है वो रिजॉर्ट बने हुए हैं, जो ज़्यादा टूरिस्ट हैं वो यहाँ पे ही आके रुकते हैं रिजॉर्ट में। अगर मुझे पहले पता होता किस तरह की, मैंने काफ़ी सर्च किया पर मुझे नहीं करना, तो मैंने भी बुकिंग वहाँ भी कर ली थी, तो वहाँ का व्यू बड़ा ज़बरदस्त है। तो ये बेसिकली कटारा जो है कतर के अंदर दोहा सिटी के अंदर जो है ये मौजूद है, सी पोर्ट के सामने बिल्कुल जो है ये एरिया है। तो यहाँ पे बहुत से जो है वो टूरिस्ट आते हैं, बहुत जो है वो घूमते हैं, बहुत जो यहाँ पे जो एंजॉय करते हैं। कतर की सबसे बड़ी जो बात मैंने इन दो तीन दिनों में जो रिज़र्व की है, जो देखी है, वो यही है कि कतर बहुत ज़्यादा पुरसकून है। वो किसी चीज़ को आप कह लें कि कोई रोक टोक नहीं है, कोई इस तरह से प्रॉब्लम्स नहीं है, बड़ा ज़बरदस्त इन्वायरमेंट है यहाँ का, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। इनका एयरपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बिजी होता है, उसकी रीज़न ऑफ दैट भी यही है। अभी जी हम आइसक्रीम तलाश कर रहे हैं बास्किन रॉबिंस, काफ़ी टाइम हो गया जी वो नहीं खाई, तो अभी वो जो है वो ये बिल के सामने आ गई है, ये बी आर जो है ये वही है। तो ये अभी बास्किन रॉबिंस जो आइसक्रीम है वो लेंगे। आप कौन सा फ्लेवर लेंगे? वनीला। अच्छा आप इधर रोको, मैं लेके आता हूँ। अभी जी मैं जो हूँ वो यहाँ पे आइसक्रीम लेंगे बास्किन रॉबिंस, ठीक है, कैरेमल क्रंच जो है वो मेरा फ्लेवर, बास्किन रॉबिंस जनाब, अमेरिका के बाद जो है वो कतर में भी। क्या हाल है जनाब? ठीक है। पाकिस्तान से? नहीं, नेपाल से। अच्छा अच्छा, हाँ तो ये आइसक्रीम दे दो। कौन सा आइसक्रीम? ये कैरेमल क्रंच है? हाँ, है। आपका कौन सा सबसे अच्छा फ्लेवर है? प्रलाइंसी सबसे अच्छा, प्रलाइंसी ले लो आप। कौन सा वाला है वो जरा थोड़ा बताएगा? ये वाला। हाँ, ये वनीला भी है। हाँ, वनीला भी है, ये प्रलाइन सही रहेगा उसका। मेरे को एक ये दे दो, वो भाई जो है ना वो वनीला का बोला ना, मैं इसलिए बोला। ठीक है, मेरे को ये दे दो। वन कैरामल क्रंच, फर्स्ट वन, विच वन? कैरामल, कैरामल, वन कैरामल स्मॉल एंड वन वनीला। मैंने तो सुना है अभी दूसरा दिन से इधर गर्मी थोड़ा कम थी, ये पहले ज्यादा था। किधर से आया? मैं इधर से आया, दुबई से। हाउ मच? 22। ये 100 कतरी रियाल है। चेंज नो हैव, हैव चेंज बट 100 नोट 50। नो हैव चेंज? ओके, गिव मी, आई गिव यू चेंज। ओके, अभी मुझे पता भी नहीं है आपका नोट कौन सा। दिस वन इज द 11। ओके, वन गिव यू है। ये कतर का जो करेंसी है उसका पता ही नहीं चलता है, ये कौन सा नोट कौन सा है, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज है। सारा ऑल मनी सेम कलर, लाइक सेम। सो रीजन इज दिस वन। अभी जी ये
कैरामल क्रंच और वनीला है, और जो बास्किन रोबिन है उसका टेस्ट का क्या बात है यार, क्या बात है। मैं कहता हूँ आइसक्रीम इससे बेस्ट आइसक्रीम पूरे वर्ल्ड में नहीं है। मैंने बड़ी बड़ी आइसक्रीम खाई है लेकिन बास्किन रोबिन से बेस्ट कोई नहीं है। इसके साथ मेरी बहुत सी यादें भी हैं, तो इसलिए जो है वो मैंने अभी ये फिर स्पेशल जो है वो अबैद भाई को बोला है। मैंने कहा आप जो ऐसा करें कि कहीं ना ये बास्किन रोबिन को दे, क्योंकि हमारी इसके साथ यादें भी। राजा इमरान साहब जनाब हाल मुकीम फजीरा, फजीरा हाल मुकीम फजीरा। हाँ थैंक यू सर, थैंक यू। ये देखें वाह, आए हाय हाय, बिल्कुल यकीन करें ऐसे है जैसे आप कह लें कि मक्खन मुंह में रखते हैं ना तो वो खुद बखुद घुल जाता है, यकीन करें ऐसे है। कोई ठंडी नहीं लगती ये। बास्किन रोबिन खाएं आपके दांतों को ये ठंडी नहीं लगेगी, इतनी मजेगी है। और फिर जो है वो इतना जबरदस्त व्यू हो ये कतारा का, ठीक है यहाँ की तो फिर बात ही अलग है, विद ब्यूटीफुल व्यू विद कतारा, लव यू हो गया, लव यू। कतर में काफी ज्यादा जो है वो बाइक राइडर के लोग जो है वो जॉब कर रहे हैं, मैंने डिफरेंट जगह पे देखा है काफी बाइक राइडर जो है वो यहाँ पे तालाबाद में जो है वो जॉब कर रहे हैं। किसी से मैं इंटरव्यू भी लूंगा, एक दो हैं मेरे भी दोस्त यहाँ पे, उनसे भी पूछेंगे कि वो यहाँ पे जो जॉब कर रहे हैं तो उनको यहाँ पे क्या बेनिफिट्स है तालाबाद में, क्या सैलरीज हैं, क्या पैकेजेस हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा वीडियो। अब वह भाई ये जो आइसक्रीम है ना इससे बेस्ट आइसक्रीम पूरे वर्ल्ड में नहीं है, ये अमेरिका की कंपनी है तो इससे बेस्ट आइसक्रीम नहीं है। बड़ी बड़ी मैंने खाई है बट ये बहुत बहुत अच्छा है, इसका टेस्ट है बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। अभी जो वो पीछे एक बिल्डिंग था जो देखा है वो गिफ्ट वाला बिल्डिंग जो है वो कितना अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। और वो तो पीछे जो डिजाइन है वो तो है ही अमेरिका वाला बना हुआ, बिल्कुल जैसे ये जैसे इंग्लैंड है या इंग्लैंड की वो जो पुरानी इमारतें हैं ना सेम इसी तरह से जो हाँ ऐसा सिटी, हाँ वो बिल्कुल मतलब लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे दोनों साइड पे जो है वो बिल्डिंग इस तरह से बनाई हुई है कि लोग जब वहाँ से गुजरते हैं तो दिल खुश हो जाता है। हाँ वो अभी जाके आपको वो भी साइड दिखाएंगे क्योंकि वो साइड बड़ी कमाल की है, बहुत ज़बरदस्त इतनी खूबसूरत जगह की आपको क्या बताएं। जिस बिल्डिंग की मैं बात कर रहा था वो बिल्डिंग ये है बेसिकली, और इसका जो डिज़ाइन है वो गिफ्ट की शक्ल दिया गया है, मतलब ये गिफ्ट का डिज़ाइन दिया गया और ये बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है। अभी मैं आपको करीब से जो है वो दिखाता हूँ, आप खुद कहेंगे कि ये एक लिहाज से ये भी लगता है कि जैसे कोई गिरी हुई चीज़ होती है ना, जैसे कोई गिर गई है, लेकिन असल में जब आप देखें तो आपको नज़र आता है कि ये बेसिकली गिफ्ट का जो है डिज़ाइन दिया गया है इसको, इस बिल्डिंग को, ये जो है। और ये जो सामने बिल्डिंग्स है यहाँ पे ऑफिसेज हैं, लेकिन इसका भी जो डिज़ाइन है वो ओल्ड तरह का दिया गया, मतलब ओल्ड डिज़ाइन दिया गया लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। और यही वो डिज़ाइन था जो मैं कह रहा था कि जिस तरह से लंदन का या बाकी जगहों का जो है डिज़ाइन होता है बिल्कुल उसी तरह से उसका जो डिज़ाइन है वो है। अगर आप एक साइड से वॉक करते हैं कतारा वाली साइड पे तो काफ़ी लंबा एक ट्रैक है जिस पे आपको डिफरेंट तरह की जो बिल्डिंग्स हैं वो नज़र आएंगी, डिफरेंट तरह की चीज़ें जो है वो आपको नज़र आएंगी। ये देखें ये बेसिकली क्या है, ये एक गिफ्ट की शक्ल है। और ये जो ऊपर है इसके ये जो चीज़ है, ठीक है ऊपर ये जो डिज़ाइन है वो जो गिफ्ट के ऊपर रैपिंग नहीं होती ये वो है, कितना खूबसूरत इन लोगों ने इस बिल्डिंग को बनाया है। और इसके ये जो साइड है यहाँ पे दिन के टाइम लोग जो है वो तस्वीरें बनाते हैं, ये दूसरी बिल्डिंग जो है बड़ी यहाँ पे उसमें म्यूजियम है जिसमें शॉपिंग मॉल्स हैं, वो ये सामने है वो है
होटल हैं, रिजॉर्ट हैं, और रिजॉर्ट ऊपर वाली साइड पे, नीचे ये कुछ होटल्स हैं। और इससे पीछे अगर दिन के टाइम कभी चक्कर लगा तो आपको दिखाएंगे, इसके पीछे जो बिल्डिंग्स हैं वो भी बड़ी ज़बरदस्त हैं, वो तो आप कह लें हैं ही कमाल की हैं, मतलब इतनी अच्छी हैं कि उबैद भाई ये कह रहे थे कि वहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पे आते हैं, मतलब दिन के टाइम वहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। हाँ, कैप्चर वहाँ पे अच्छा, मतलब बहुत से लोग जो हैं वो वहाँ पे आते हैं वो चीज़ देखने के लिए। ये जो अभी हम जहाँ पे खड़े हैं ये तलवार सिग्नल है कतर का, और ये इधर सुपर मार्केट, ये गोल्ड का शॉप है, पूरा गोल्ड शॉप है इसका, मार्केट इसका पीछे। ये ऊपर मोबाइल का शॉप है, मोबाइल का मॉल है, और पूरा ये जो जिधर से ये गिम्बल बाय किया था ये अभी फिर उसी जगह पे आ गए। और इस जगह का क्या नाम है? ये जगह का नाम मतलब दोहा है मेन। नहीं नहीं, दोहा दोहा तो सिटी हो गया ना, ये स्ट्रीट का क्या नाम है? ये एयरिंग है, एयरिंग एयरिंग से एयरिंग में। ये मस्जिद फनार है, फनार मस्जिद। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग बनाया वैसे, फनार मस्जिद, फनार मस्जिद है। देखें बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है माशाल्लाह, गुंबद इसका बहुत बड़ा है, मीनार जो है काफी हाइट पे है। ओके, ये कतर का पार्लियामेंट है, और इधर जितने भी कतर के आप क्या मिनिस्टर्स हैं या शाही खानदान के जो लोग हैं वो यहाँ पे होते हैं। ये सामने जो है, अभी हम लोग कॉर्निश रोड में आ गया, ये अभी कॉर्निश रोड है। ठीक, ये माशाल्लाह बहुत जबरदस्त व्यू है इधर का। कतर का भी जो कॉर्निश है वो भी बड़ा ज़बरदस्त है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे बोट खड़ी हुई है, और इस बोट पे आप अगर बैठे तो ये किधर लेके जाती है ब्रदर? वो इधर आइलैंड का तरफ, आइलैंड की दूसरी साइड पे ये लेके जाती है, मतलब आप क्या लें कि इनका जो ये आइलैंड है, ये जो समुंदर है इसका ये लोग व्यू करवाते हैं, समुंदर के अंदर जो है ये विजिट करवाते हैं। और इधर ही कॉर्निश के ऊपर ही ये स्कूटी भी खड़ी है, तो ये स्कूटी लेने का क्या तरीका कार है, अगर ये लेना हो तो इसका कोई आप है? वो आप लगाना पड़ेगा, आप वो लगाना पड़ेगा, आप ऐप लगाना पड़ेगा, ऐप लगाना पड़ेगा, तो स्कूटी लेके आप जा सकते हैं। और इस साइड पे जो है वो कतर का पार्लियामेंट है, वो आप अगर देखें कतर की जितनी भी राजधानी है, आप कह लें कतर का जो भी सिस्टम है गवर्नमेंट का, वो मेरे बैक साइड पे आप वो पार्लियामेंट देख रहे हैं। और यहाँ पे आइलैंड पे जो जिस जगह पे मैं कॉर्निश पे खड़ा हूँ, ये बड़ी पुरसकून ज़बरदस्त किस्म की एनवायरनमेंट वाली जगह है, बड़ा ही आप कह लें। ये सामने बिल्डिंग्स देखें अगर आपको नज़र आ रही है तो, उस साइड पे अभी हम जाएंगे गाड़ी में उस साइड पे भी, लेकिन यहाँ से व्यू देखें तो बड़ा ही कमाल का, बड़ा ही ज़बरदस्त फैमिली वाली ये जगह है यहाँ पे जो है। मैं वैसे गलती से अकेला आ गया हूँ, फैमिली के साथ आना चाहिए था, क्योंकि ये फैमिली प्लेस बड़ा ज़बरदस्त पुरसकून शहरी है। जैसे मैं कभी व्लॉग्स बनाता था, और आपको पता है जो सेम लाइक जो शारजा की जो स्टेट है, जैसे कुरफकान है उनका, कुरफकान स्टेट में भी सेम इसी तरह से बीच बनाई हुई है। थोड़ा सा हम आगे आएंगे तो आपको दिखाते हैं, आप देखें जी तो इधर समुंदर का पानी है, वो आपको दिखाते हैं। हाँ बंधु भाई, कैसा है? ठीक है, बराबर है, बराबर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं इधर, ये मेरे ख्याल में कश्ती बंधु भाई लेके जाने वाले हैं। बंधु भाई लेके जा रहे हैं? अभी हम कॉर्निश की दूसरी साइड पे जाएंगे, वो वाली जो साइड है उस साइड पे हम जाएंगे, और वहाँ का जो व्यू है वो आपको दिखाएंगे। इधर से तो कमाल का व्यू है, बड़ा ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छी पुरसकून सी जगह है। Thank you.
अभी आप तमाम दोस्तों से ये गुजारिश है कि आप ये खूबसूरत मनाजर देखें, और उसके बाद आपने सबसे पहले जो काम करना है वो ये है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, वीडियो को लाइक करना है, और कमेंट्स में आपने जो भी आपका फीडबैक है, ये जो आपने वीलॉग्स देखा है उसके बाद क्या आप कतर आना चाहेंगे, सो अपना फीडबैक आपने इस वीलॉग्स में ज़रूर देना है। सो तमाम दोस्तों से यही गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट्स में अपना फीडबैक दें, और ये कतर के खूबसूरत मनाजर आप चेक करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।